नमस्कार, मैं बॉबी जैमिनस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया ये दावा। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी के कई विधायक जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। घोष ने कहा कि जब ये दिख रहा है कि सरकार गिर सकती है तो फिर कौन पार्टी में रहेगा। इससे पहले भी घोष ने कई टीएमसी विधायकों के संपर्क में होने तथा टीएमसी सरकार के गिर जाने की भी बात कही थी। भाजपा विधायकों और सांसदों के संपर्क में होने के सवाल पर घोष ने कहा, टीएमसी के कई विधायकों और सांसदों ने पहले मुझसे संपर्क किया था, अब ये और बढ़ेगा। जब ये दिख रहा है कि सरकार गिर सकती है तो फिर लोग छोड़ेंगे ही, आखिर डूबते जहाज में कौन रुकेगा। चुनाव में हिंसा को लेकर घोष ने कहा कि हिंसा के लिए टीएमसी कार्यकर्ता जिम्मेदार है, उनको सरकार ने बवाल करने की छूट दे रही है, लेकिन अब भाजपा कार्यकर्ता भी जवाब देगा। घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, उन्हें नतीजों को सही भावना के साथ स्वीकार करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस अगर हिंसा का इस्तेमाल हमारे कार्यकर्ताओं को डराने के लिए करेगी तो हम उसी तरह से उन्हें जवाब देंगे, हम जैसे को तैसे की नीति अपनाएंगे। सूरत अग्निकांड में शोक में बॉलीवुड अभिनेता समेत कई सितारों ने किया दुख व्यक्त। सूरत के सरथाना में एक कोचिंग सेंटर लगी आग में 20 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई घायल हैं। कोचिंग सेंटर तक शिला आग्रेड बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर स्थित है। इस भयानक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई बच्चे जान बचाने के लिए छत से बाहर कूदते नजर आ रहे हैं। इस घटना से बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। अमिताभ से लेकर उर्मिला तक कई सितारों ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, सूरत में भयानक त्रासदी, एक विनाशकारी आग और उसमें जकड़े गए 14-17 साल के बच्चे भयंकर आग से बचने के लिए नीचे कूद पड़े और उनकी जान चली गई। इतना दुखी हूँ कि बता भी नहीं सकता। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।